हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है रश्मि रश्मि चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए मैंने 5 पैकेट दूध लिया, 1 पैकेट को रस बनाऊंगी और ये 4 पैकेट से छेना बनाऊंगी मलाई बनाने के लिए। तो रस बनाने के लिए मुझे लगेगा इलायची, तेजपत्ता, केसर, अमलद्रव, काजू, किशमिश और शक्कर। तो पहले छेना बना लेती हूँ। इस कढ़ाई में दूध को चढ़ा दूंगी। दूध चढ़ा दिया। अब मैं इसमें विनेगर डाल दूंगी। दो चम्मच विनेगर और 2 चम्मच लगभग 3 चम्मच पानी। छेना बनना शुरू हो गया। अब 5 मिनट ठंडा कर लेंगे। अब मैं इसमें छेना डाल दूंगी। अब इसको 2-3 बार पानी से अच्छा से धो लूंगी। मैंने अच्छा से धो लिया। पनीर ले लिया। अब 15 मिनट अच्छा से मिला लेंगे मलाई बनाने के लिए। अब 15 मिनट अच्छा से डो रेडी कर लेंगे मलाई बनाने के लिए।
बड़ा कप में एक कप शक्कर डाल रही हूँ। सुंदर से कर लिया। अब मलाई गोल गोल बना लूंगी, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, रसमलाई में कुछ मिलाने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा से क्या बोलते हैं, छाना लिया, छाना हुआ है लगभग 250 ग्राम। रस भी बन चुका है, अभी इसमें तेज पत्ता लिया, गैस कम करके डाल दूंगी। मलाई बन चुका है, अब रस में छोड़ना है और ये आधा लीटर वाला पैकेट है उसे रस बनाऊंगी। और ये जो मलाई बना है वो 4 पैकेट दूध था, तो वो 2 लीटर दूध था, 2 लीटर का इतना सही बना। मलाई 26 बना है, इसमें छूट देंगे। मैंने दूध निकाल दिया इस बर्तन में और इसे छील लिया। किशमिश, काजू बादाम, शक्कर, केसर, इलायची, तेजपत्ता लगेगा ये रस बनाने के लिए। तो इस तरफ मैं निकाल दिया। देखिए फूल कर कितना बड़ा बड़ा साइज हो गया। ऐसे भी हम मीडियम साइज वाला ही किया, लेकिन देखिए कितना सुंदर से बन गया, टूटा फूटा भी नहीं है। हम कुछ नहीं मिला है, अच्छा से मतलब अब सबको थोड़ा पलट कर देंगे। करके
सब डाल दूंगी। पहले तो केसर डाला, डाल देंगे। होने ही वाला है, सुंदर सा खुशबू आ रही है, सुंदर सा खुशबू आ रहा है। ये तो बन चुका है, बन चुका है। गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मलाई को छोड़ देंगे। देखिए मलाई एकदम साफ सॉफ्ट सुंदर सा बन गया। छोड़कर कम से कम 4 घंटा रखने के बाद उसका अंदर में रस चला जाएगा। देखिए पूरा बन चुका है, सुंदर सा हो गया। अब 4 घंटा जाने के बाद ही खा पाएंगे मजेदार रसीला रसमलाई। आप लोग को कैसा लगा जरूर बोलिएगा। अगर आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। देखिए कितना सुंदर सा बन गया, कलर भी इसका इतना सुंदर आया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी काट कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट बना, एकदम सॉफ्ट, इसका कलर भी पूरा हो गया, चेंज हो गया, बहुत सुंदर सा बन गया, एकदम सॉफ्ट है। जरूर बोलिएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।